एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। दादाजी। हाँ बेटा। ये पुतला देख रहे हैं पीछे पुतला? हाँ? ये पुतला है ना दादाजी? हाँ? इसको हटाइए और खुद खड़े हो जाइए ना, कम से कम चिड़िया और कौवों को डराने के काम आएंगे आप, वैसे तो आपसे कोई डरता नहीं है। ए, इज्जत से बात कर। इज्जत देने का मौका कहाँ दिया आपने? मैं तो सोचता था कि आप घर के बड़े बूढ़े हैं, मगर आप तो सिर्फ बूढ़े निकले, बड़े तो आप है ही नहीं। आप तू मुझे ललकार रहा है? ललकार नहीं रहा हूँ, मैं आपको धुतकार रहा हूँ। क्या बोला? आप समझने की कोशिश कीजिए ना दादाजी। अच्छा आपने अपना नाम क्या बताया था? क्या नाम? आपने मेरा नाम भूल गया, पत्थर की तरह। हाँ, कुछ सिंह सिंह है ना वो, कुछ सिंह सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। सिंह का मतलब शेर होता है, जंगल का शेर। मगर आप ऐसे सर्कस के शेर कैसे निकले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा अब देख मैं क्या करता हूँ। नहीं कुछ करने की जरूरत। अरे तू देख मैं क्या करता हूँ। यू कैन नॉट। कैन नॉट? यू कैन नॉट। जाने दे। अरे नहीं, तो सर्कस का शेर हूँ भाई। अरे नहीं, आई गिव यू चांस, आई गिव यू चांस। तू मेरे को चांस दे रहा है? तेरी तो। दादाजी कुछ कीजिए ना। दादाजी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? बेटी तुझे कहानी सुनानी है। कहानी? एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़के ने देखा कि कोई और लड़की खुदकुशी करने जा रही है। लड़के ने उसे बचाया, उसे खुदकुशी का कारण पूछा। उसने कहा मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं उसने मुझे धोखा दिया, मैं घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उसे दया आ गई, उसका नकली पति बनकर उसके घर गया। मगर इत्तेफाक देखो, ये घर उसी लड़की का निकला जिससे वो खुद प्यार करता था। ओ। ये लड़की उस लड़की की बड़ी बहन निकली। दादाजी ये कहानी कुछ सुनी सुनाई से लगती है। सुनी सुनाई से नहीं, देखी दिखाई से लगती है। क्योंकि वो लड़का मैं हूँ, वो प्यार तुम हो, और वो लड़की तुम्हारी बहन शर्मिला है। हाँ बेटी ये सच है, ये बेचारा तो सिर्फ मदद करने आया है। अरे शर्म करो, मैं सामने खड़ा हूँ। दादाजी डोंट पुट मी इनटू फॉर्मेलिटीज नाउ, इतने दिनों के बाद तो घरे लग रहा हूँ यार। तो क्या मुझे शर्माएगा नहीं? देखिए दादाजी पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी दे और जाए अपना। मैं पोस्टमैन हूँ तो मैं चिट्ठी ले जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए ना दादाजी। ठीक है मैं मुंह फिरा लेता हूँ, क्या बेशर्मी है यार। राजू हो गया, मैंने हो रहा है क्या मुसीबत। लिसन वॉचमैन, सॉरी हम किस अनपढ़ से बात कर रहे हैं, तुम शायद अब जानता नहीं होगा। चौकीदार। क्या कहा? चौकीदार? तो कहे शानदार बंगले का मालिक हूँ तुमको। तुम कौन हो? ओ तुम्हारी ये औकात तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा है? हम राजा का दोस्त किधर? राजा वो गया जानू में। तुम दो कौड़ी का आदमी अपने मालिक के लिए ऐसा बोलता है? उसको बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवा देता अभी। और मैं तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल देता हूँ। अबे गोपाल, अबे तू यहाँ क्यों आ गया? अरे तुझे मना किया था ना। अरे यार पागल तो बता मेरे को यार। ए छजूमदार तू सामने आ। सामने क्यों? गोली खाने को? आज तू बचेगा नहीं। अरे ससुर जी ये मेरा दोस्त है गोपाल, हम लोग न्यूजीलैंड में एक साथ काम करते थे। ये क्यों नहीं कहता कि साथ में भजिया तलते थे? गोपाल क्या हुआ बेटा, गोली की आवाज, गोली कैसे चली? ये देखिए एक तो पहले से था, एक और आ गया, ये दोस्त है इसका। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पाव भजिया इडली वड़ा बनाएंगे और इस हवेली को कैंटीन बना देंगे। शांत बेटा। जो गांव वाले इस हवेली के पास से गुजरने को डरते थे वो यहाँ 2 रुपए में भजिया खाएंगे बैठकर। ये कैसा चौकीदार है? He is not चौकीदार, he is जमीदार man, he is my father-in-law, ससुराल। तूने इस डाकू की बेटी से शादी कर ली? अबे वो स्टोरी मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ मैं तुझे पहले दादी जी से मिलाता हूँ। दादी जी से। ये है मेरी सासू जी। ओ सासू जी। हमेशा ऐसी ही गलतियां करता रहता है। हाँ मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। भाभी से मिलाता हूँ, तुझे भाभी को नहीं जानता। अबे हाँ यार गड़बड़ मत करना। ए बीवी है तो भाभी वो कैसे होगी? भाभी You forgot. I am. मैं मर गया था, भूत बन गया, फ्रिज में बैठा, बाहर निकला, खाना खाया, डांस किया। जेट लैग हो गया इसको, तबियत खराब है इसकी, तबियत खराब है इसकी, जेट लैग हो गया। मैं इसको अंदर ले जाता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। अंदर अंदर आ जा तू, अंदर चल तू मेरे साथ अंदर। पता नहीं कौन है? इनके दोस्त हैं। ओह तुम जानती हो उसे? इसी तरह से। अच्छा खाना बहुत अच्छा बना है। पसंद आया तुझे? बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। तुझे पता है खाना किसने बनाया?
किसने? हमने बनाया ससुर जी, बस आपको खाना पसंद आ जाए हम दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी। आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। ये दोनों बांट लेना। अरे ये क्या कर रहे हो, ये हमारा दामाद है। ये टिप मैंने दामाद को नहीं, अच्छा खाना बनाने वाले खानसामा को दी है। अच्छा खाना तो मुगल होटल का खानसामा भी बनाता है, तो क्या उसे दामाद बनाकर घर ले आऊं? तूने 100 रुपए टिप दिए, खाना तो खा ले। कब सुधरेगा ये बड़ा साला? कहाँ सुधरेगा, नमक हराम। नमक हराम और क्या, मैंने खुद नमक डाला यार। हो पहले मालूम होता ना तो 7 किलो नमक डालता। इसके घर में तो इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए। लोग उधर जाइए, कमरे की तलाशी लीजिए, वहां जितने जेवरात मिलेंगे उनको लेकर आइए। चलो ये अच्छा। आप लोग इधर जाइए, घोड़ा के तबेले में घोड़ों का नाप ले लो, उसका नस्ल देखो, सारी रिपोर्ट बनाइए। चलिए। लेकिन है कौन आप? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, ठीक है। हैरान होने की कोई बात नहीं है, आप गले का जितना सामान है, चैन छोन कान का नाक का हाथ का उंगली का सारा निकाल के रख दो, घड़ी भी निकाल के रख दो। ए, क्या हो रहा है ये, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? सरदार सिंह आलूवालिया इनकम टैक्स कमिश्नर समझे, नीचे के सुर में बात करो। मैं तो ऐसा रिपोर्ट लिखूंगा कि घोड़े पे बैठ के सुबह शाम इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाओगे, ठीक है? अच्छा घोड़े पे याद आ गया, घोड़े को क्या खिलाते तुम? घोड़ा घास खाता है और घास खेतों में उगता है। खेत कहाँ से लिए तुमने? खेत खानदानी है। खानदानी है, अच्छा तो ये गले पे हाथ मत डाल नहीं तो गोली चला दूंगा। ओए आलू, ओए आलू वालिया, तू यहाँ कैसे? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है यार? इस आदमी ने बहुत माल छुपा के रखा है और ऊपर से टैक्स नहीं भरा है, और पता है एक इनकम टैक्स ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दे रहा है, ये दोनों गवाह है। इसको तो आज मैं जेल भेज के रहूंगा। अरे मेरे ससुर जी है। कोई नहीं यार। हाँ यार। हैं? आप दामाद जी के दोस्त हैं, प्लीज बैठ जाइए ना, चाय वाय पीजिए। अरे दादी जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त है। आलू आलू तू यहाँ से यार, ये पहले मुझ पर चिढ़ते हैं, ये मुझ पर और भड़कने लगेंगे। चिढ़ते हैं? मैं इसको एक शर्त पे छोड़ूंगा, अगर ये राजू से माफी मांग ले। आलू चुप कर तो, और माफी ना भी मांगे ना, दामाद कह के एक बार गले लगा ले तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। बेटा बलराज सोच क्या रहे हो, दामाद बोल दो ना, गले लगा लो। सोचे मत, कह दीजिए ना प्लीज। बहुत अकड़ है इसमें, मैं सारी अकड़ निकाल दूंगा। आलू तू ज्यादा बोल रहा है। चुप कर यार, बोलने दे, आज मौका मिला है, नहीं तो हमेशा आंखें निकाल के डराता रहता है ये। उस दिन हमने इतने प्यार से खाना बनाया, इसने खान सामा कह के हमको टिप दे दिया। पहली बार जब मैं इधर आया मेरे पे गोली चला दी, मेरी जान जाती थी, तेरे बाप ने पाला। उसके बाद कहता है भजिया पाव बेचेंगे 2-2 रुपए में, समझ क्या रखा तुमने हमको? हैं? किधर गया, किधर गया? आप बार बार क्यों गोली चलाते हैं? मजाक भी नहीं, सबसे थोड़ा जोक किया मैंने, जाता ना मैं। साला बुड्ढा, सपने में भी डराता है, इतना पसीना निकाल दिया। हट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था। ये कैसे सोच रहा था? क्या सोच रहा था? आपने अपने बेटे का मुंह बचपन में फेविकोल तो धुलवाया था क्या? क्यों? उनका स्किन जम गया है, उनके चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये पहला मौका है जो जिंदगी में कभी खुशी नहीं हुआ। हाँ। ऐसे कहो ना कि तुम मेरे बेटे से हार गए हो। अरे हार जीत की बात तो तब होती है जब लड़ाई होती है, यहाँ तो आमना सामना ही नहीं हो रहा है। अच्छा घोड़ा चला सकते हो? आप क्या अपने दामा से टांगे चलवाओगे? हर साल हमारे गाँव में चैरियट रेस होती है, और पिछले 3 साल से बलराज के दुश्मन पृथ्वी सिंह के घोड़े जीत रहे हैं और बलराज के घोड़े हार रहे हैं। अगर तू ये रेस जीत जाए तो समझ के मोगेम्बो खुश हुआ। अगर ये बात है ना दादाजी, तो समझ लीजिए कि मोगेम्बो खुश हो गया। कहाँ है ससुर जी का घोड़ा? ये रहा। ये घोड़ा है? ओलो, 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 ओ, ओ, ओ। साला, ससुर जी का घोड़ा भी ससुरा बेलगाम है, ना वो काबू में आता है ना ये। इसकी ऐसी की तैसी। अरे भाई मेरा घोड़ा अंदर आया, तुमने देखा है कहीं? हाँ देखा है, इधर ही गया।
लेकिन तुम चले जाओ क्योंकि वो घोड़ा तुम्हें मिलेगा नहीं। मैं लगाने बात करता है, माफ कर आ जाए। शुक्रिया भैया, आप लोगों ने मेरा घोड़ा पकड़ लिया, वरना पता नहीं साला कहाँ कहाँ भागता फिरता। तुम ये घोड़ा नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे फार्म पर आने के बाद घोड़ा तो क्या, इंसान भी बचकर वापस नहीं जा सकता। मैं तो जाऊंगा और घोड़ा भी लेके जाऊंगा। अच्छा बेटे, इस बदतमीज लड़के को भी घोड़ों के साथ बांध दो। अरे ऐसा मत करो यार, बगैर पीटे घोड़ा दे दो ना यार। घोड़ा मांगता है। घोड़ा चाहिए? ये क्या हो रहा है? ससुर जी, ये लोग हमारा घोड़ा नहीं लौटा रहे। इनके फार्म पर मेरा घोड़ा लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जी मैं नहीं लाया, वो घोड़े ने मुझे गिरा दिया और खुद भाग कर यहाँ। अगर घुड़ सवारी नहीं आती तो घोड़े पर बैठने की जरूरत क्या थी तुम्हें? पृथ्वी सिंह जी, मेरा घोड़ा वापस कर दो। घोड़ा वापस ले जाने की दो ही सूरतें हैं ठाकुर। बोलो। पहली ये कि अगर इस साल तुम चैरिटी रेस जीत लेते हो तो अपना ये घोड़ा इज्जत के साथ वापस ले जा सकते हो। और दूसरी, इस लड़के ने जो मुझसे बदतमीजी की है उसकी माफी तुम्हें मुझसे मांगनी होगी। जबान को लगाम दो। अगर तुमने अंकल की शान में जरा सी भी गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपनी जीत पर बहुत घमंड है ना? तुम्हारा ये घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा और इस बार चैरियट रेस जीत कर ये घोड़ा मैं अंकल को प्रेजेंट करूंगा। शाबाश बेटा, देखा, इसे कहते हैं खानदानी खून, जो बेइज्जती पर खौल उठा। बेटा सही मानों में तुम ही मेरे दामाद हो। मैं परसों ही उर्मिला के साथ तुम्हारी सगाई करूंगा। चलो